गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इस मोबाइल चार्जर से हम बनाने वाले हैं एक तगड़ा एम्पलीफायर। क्या बनाने वाले हैं? एक तगड़ा एम्पलीफायर जो बहुत ही अच्छी साउंड से बजेगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और तो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, मैं इस वीडियो पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस मोबाइल चार्जर से एक तगड़ी एम्पलीफायर। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल चार्जर से एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको इस तरीके का कुछ मोबाइल चार्जर ले लेना है, कुछ इस तरीके का। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा 50-60 रुपए में। तो कुछ इस तरीके का आपको चार्जर से भी ले लेना है। मैंने कुछ इस तरीके का चार्जर ले लिया है। मैं यहाँ से चॉइस कर लेता हूँ मेरे लिए कौन सही रहेगा। तो हम ले लेते हैं इस चार्जर को। ये देखिए, अब इसके बाद हम इस चार्जर को खोल लेंगे। अब मैं इस पेचकस से इसे धीरे धीरे करके निकाल दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इसे निकाल लेना है। देखिए, ये मैंने इस चार्जर को खोल लिया है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, अब आपको कुछ इस तरीके का ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल ले लेना है। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये एम्पलीफायर मॉड्यूल। तो चलिए अब इन दोनों से हम बनाते हैं मोबाइल चार्जर से एम्पलीफायर। तो चलिए पहले मॉड्यूल का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन हो गया है। मैंने सारा वायर लगा दिया है इसमें। देखिए, आपको सेम इसी तरीके से लगा लेना है, दो इनपुट और दो आउटपुट। अब हम इसे एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे। देखिए, आपको सेम इसी तरीके का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके के साइंस से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड वीडियो और देखनी है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वायर को इस जगह पर लगाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस जगह पर। अब इस इनपुट वाले रेड वायर को हम यहां लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये आउटपुट ग्रीन वायर को हम इस जगह लगाएंगे। और इस रेड वायर को हम यहाँ लगाएंगे। अब हम स्पीकर का वायर लेंगे दोस्तों और उसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। और इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए पूरा कनेक्शन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों, हम चार्जर का आउटपुट यहाँ से कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये प्लस है और दूसरा वाला नेगेटिव। अब हम नेगेटिव वायर को यहाँ सोल्डर करेंगे। अब हम चार्जर के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये पॉजिटिव वायर है, दूसरा नेगेटिव वायर हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा लगभग पूरा कनेक्शन हो गया है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से, पहले तो इसे टेप से इंसुलेटेड करना है, ताकि ये दोनों शॉर्ट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इस वजह से हम इसे टेप में लपटेंगे। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे। वॉल्यूम को हाई रख दीजिएगा और स्विच को ऑन करके छोड़ दीजिएगा। इसको कुछ इस तरीके से कवर कर लेना है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो।
तो आपको इसको इस तरीके से अब इसमें हम कवर लगा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा चार्जर वाला एम्पलीफायर बन गया है, देखिए आपको सेम इसी तरीके का बनाना है। ये बन गया हमारा चार्जर वाला एम्पलीफायर। अब दोस्तों चलिए इसे चला कर देखते हैं आखिर ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये स्पीकर का वायर निकला हुआ है, आपको इसी में स्पीकर लगाना है। तो चलिए दोस्तों स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस वायर को हम स्पीकर में कनेक्शन देंगे। अब हमारा स्पीकर कनेक्ट हो गया है, देखिए दोस्तों अब इसे हम ढक्कन लगाकर इसे पूरा असेंबल कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों अब मैं ये 220 वोल्ट का एक बोर्ड लेके आया हूँ, अब इसमें ही उस मोबाइल चार्जर के एम्पलीफायर को हम इसमें टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अब इसमें लाइट जलेगी दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें प्लग किया, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, अभी ऑन हुआ। ये देखिए दोस्तों ये साउंड हो रही है। दोस्तों अब मैं ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये देखिए 3.0 BT आ रहा है, अब इसी को हम पेयर करेंगे। देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हम प्ले करेंगे। तो इसी तरीके से बनाते हैं मोबाइल चार्जर से एक एम्पलीफायर। तो आपने देखा होगा बढ़िया साउंड आ रही थी इसमें से। तो ये वीडियो कैसे लगी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।